पेश है मुमरा का आलीशान ढाबा, जहां का स्वाद आपको छू जाए और आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ यहां पर क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। स्पेशल डिश में पाए चिकन अचारी ड्राई, चिकन हाउसिंग ड्राई, सलोनी ड्राई, हफ्सा राइस और भी लजीज पकवान, बेवरेज आइसक्रीम और फालूदा, फ्री होम डिलीवरी। इसके अलावा दस्तरखान, फैमिली रूम, वलीमा और बर्थडे सेलिब्रेशन स्पेस अवेलेबल। तो आज ही आए आलीशान फैमिली ढाबा। हमारे छह परिवार हैं, हमारी औरत हेडी का मेरे साथ गरीब इंसान है ना, तो कहाँ जाओ, हम लोग इधर ही था ना, कमाता ही इधर ही खाता ही। सामान निकालने का टाइम नहीं दे रही हूँ, काम करे खाता है साहब, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, आप रूम तोड़ रहे हैं। बरसात एकदम नजदीक है सर पे, कहाँ जाएंगे बच्चे लेके। एकनाथ शिंदे साहब के पास गए, राजन किने के पास गए, जितेंद्र रावत साहब के पास में गए, सबके पास में गए। चाहते तो वो भी हमारी मदद कर सकते थे, एक दिन के लिए कार्रवाई रोक सकते थे। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। इस समय मौजूद है हम मुमरा बाईपास पर टोल नाके के पास। दरअसल आपको बता दें कि टोल नाके के पास में अंबेडकर पाड़ा जो इलाका है, यहां पर आज फिर फॉरेस्ट विभाग की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। दरअसल आपको बता दें, पिछले दिनों जो कार्रवाई हुई थी वो कार्रवाई अंबेडकर पाड़ा में जो ये बाईपास से लगकर जो झोपड़े बने थे, इसके पीछे का जो पहाड़ी से लगकर इलाका था वहाँ पर कार्रवाई की गई थी। लेकिन अब जो कार्रवाई हो रही है, ये मेन जो बाईपास रोड आप देख रहे हैं, इस रोड के किनारे जितने ये झोपड़े बने हुए थे, इन सभी पर जो है कार्रवाई करके तोड़ा जा रहा है। सुबह करीब 10 बजे से ये कार्रवाई जो है चालू की गई है और अभी दोपहर के 1 बजने वाले हैं और कार्रवाई जारी है। बताया जा रहा है कि शाम 4-5 बजे तक ये कार्रवाई जारी रहेगी। इन सभी झोपड़े धारकों को जो है एक दो दिन पहले ही सूचना दी गई थी, कुछ लोगों को यहाँ पर नोटिस भी वगैरह भी दिया गया था कि यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। दरअसल यहाँ के स्थानीय लोगों का ऐसा कहना है कि वो 20-25 साल से यहाँ मुमरा बाईपास के किनारे रह रहे हैं, लेकिन अचानक से जिस तरह से ये कार्रवाई फॉरेस्ट विभाग से की तरफ से की जा रही है, इसको लेकर भी लोग तमाम सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ये कार्रवाई क्यों की जा रही है। लेकिन फॉरेस्ट विभाग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये फॉरेस्ट विभाग की ज़मीन है और इस पर गैर कानूनी तरीके से जो है अतिक्रमण किया गया है, इसे कब्जा किया गया है, इसलिए फॉरेस्ट विभाग जो है कार्रवाई करके अपनी ज़मीन जो है वो खाली करवा रही है। लेकिन इसमें जो रहने वाले लोग हैं वो बेहद ही गरीब तबके के लोग हैं। आप तस्वीरें देखेंगे कि इस वक्त जो है वो सभी लोग मुमरा बाईपास, क्योंकि अभी बंद है मरम्मत कार्य के लिए, इस वजह से जितने भी उनके सामान वगैरह हैं वो देखेंगे आपकी इसी मुमरा बाईपास रोड पर सभी लोग रख दिए हैं और उनके पास कहीं रहने का और भी ठिकाना नहीं है, इसलिए वो कहीं जो पेड़ रोड के किनारे हैं उसके नीचे वो बैठे हैं अपने परिवार के साथ। तो कहीं कोई लोग जो है धूप में ही बैठे हुए हैं, अपना सामान जहां रखे हैं वहां पर बैठे हुए हैं। लेकिन फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों का ये भी साफ तौर पर कहना है कि आज कार्रवाई की जा रही है और आने वाले समय में जितने भी यहाँ पर इलीगल तरीके से फॉरेस्ट विभाग की ज़मीन पर कार्रवाई, फॉरेस्ट विभाग की ज़मीन पर जो अतिक्रमण किया गया है, उन सभी पर जो है कार्रवाई की जाएगी। यहाँ के स्थानीय लोगों ने अपना दुख दर्द बयां किया है, हम उनकी उन्होंने क्या कहा है वो भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन आपको बता दें, इसके पहले जब कार्रवाई हुई थी अंबेडकर पाड़ा के जो पहाड़ से लगकर इलाका है वहाँ पर जब कार्रवाई हुई थी, उस वक्त जो है कुछ संस्था के लोग फॉरेस्ट विभाग की जाकर जो है मीटिंग वगैरह भी किए थे कि कार्रवाई जो है ना की जाए, रोकी जाए, क्योंकि काफ़ी दिनों से यहाँ पर लोग रह रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों के पास टैक्स पावती भी है, यहाँ पर कुछ लोगों के पास टोरेंट का मीटर भी लगा हुआ है, लेकिन ये भी जानकारी सामने आ रही है कि फॉरेस्ट विभाग ने जो है एक लेटर दिया हुआ है टोरेंट पावर को कि जितने भी फॉरेस्ट विभाग की ज़मीन पर झोपड़े बने हुए हैं उन्हें जो है मीटर ना दिया जाए, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। लेकिन इतनी चिलचिलाती धूप में ये सभी लोग बेघर हुए हैं और इसी धूप में जो है वो अपने परिवार के साथ में जो है रोड पर बैठने को मजबूर है। आने वाले दिनों में बारिश का महीना भी आ रहा है, सवाल उठता है कि अगर इसी तरह से कार्रवाई हुई और वो बेघर रहे तो बारिश के महीने में जो है वो कहाँ जाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। स्थानीय लोग हैं, क्या नाम है आपका? गोपाल, गोपाल ब्रिटिश साहब। कहाँ रहते हैं? ये बाईपास के बाजू में साहब, हमें रूम यहाँ ही टूट रहा साहब। हाँ,
कार्रवाई हुई, आपका भी घर तोड़ दिया गया। हाँ, कितने परिवार थे आपके? हमारे 6 परिवार है साहब। हमारी औरत हैंडीकाप है साहब, हैंडीकाप साहब, जो हमारे गरीब आदमी साहब, हम बाईपास पे, हम रितय साहब, हम तो गरीब आदमी, गरीब इंसान है साहब, हम काम करता है, काम करे खाता है साहब। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 मिनट हमारे बच्चे हैं साहब, आप रूम तोड़ रहे हैं। हम गोर गरीब कहाँ हैं, हमें रोड पे सोप, हमारे बाल बच्चे, हमारे गोर भी गोर गरीब, हमारे रोड पे है साहब, छोटे छोटे बच्चे साहब, कहाँ रहेगा, कहाँ बचेगा सरकार, हम कहाँ भेजेगा वो बस भेजो, हमें रूम तोड़ो, हमको भेजो साहब, हम क्या करेगा साहब बताओ। हम गरीब आदमी हैं, हाथ में बोलेगा साहब, गोर गरीब है, अब पाटा तोड़ रहे सही है साहब, हम कहाँ रहेगा, कहाँ बचेगा, गोर गरीब हम आप बताओ। आपका जो घर था आपने किसे खरीदा था या उसे बनाया था? नहीं कुछ साहब, नहीं कुछ नहीं, भाड़ी से, भाड़ी साहब, भाड़ी साहब, किराए से थे आप? हाँ, किराए साहब था। कितना किराया देते थे? कम से कम 200 रुपया देता साहब, 200 रुपया देता था, 200 रुपया देता साहब, अभी तोड़ देता, लेकिन हम कहाँ रहेगा साहब, हमारे छोटे छोटे बच्चे, 3 महीना बच्चे है, लेकिन कहाँ रहेगा, कहाँ जिएगा साहब बताओ, हम गोर गरीब है साहब, हम कहाँ रहेगा। ये भी बात सामने आ रही कि इस तरह से जो है लोग किराए पर भी यहाँ रह रहे हैं काफ़ी, और ये यहाँ पर जो है घरों को बनाकर बेचने का भी 7-12 बताकर कुछ लोगों को यहाँ पर जो है बेवकूफ़ बनाकर लोग घर बेच दिए, और घर टूटने के बाद पता चला कि 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख रुपये में यहाँ पर जो है इन्होंने घर खरीदा था। इस तरह की भी बातें यहाँ पर सामने आई है। बहरहाल हमने स्थानीय लोग जो यहाँ के हैं उनसे भी बातचीत की है, क्या कुछ उन्होंने कहा है वो भी हम को सुनाते हैं। मेरा नाम हमीदा बानो है बेटे। अच्छा। मैं यहाँ पर सैनिक नगर में रहती हूँ। अच्छा। ये सब कार्रवाई हम लोग के ऊपर, सबके ऊपर हो रही है। एकनाथ शिंदे साहब के पास में हमारे इधर के सब छोक आदमी लोग गए थे। हाँ। एकनाथ शिंदे साहब के पास गए, राजन किने के पास गए, जितेंद्र अवर साहब के पास में गए, सबके पास में गए। चाहते तो वो भी हमारी मदद कर सकते थे, एक दिन के लिए कार्रवाई रोक सकते थे, जैसे कलवा बस्ती बसाए, जैसे रेती बंदर में बसाए, वैसा इधर पे भी बसा सकते। हम फॉरेस्ट के मामले में दखल अंदाजी नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपना काम कर रहे, फॉरेस्ट वाले अपना काम कर रहे हैं। हम लोग का घर वो बाजू पीछे है, आपका घर भी तो फॉरेस्ट की जगह में, फॉरेस्ट की जगह पे ही, इसीलिए तो तरस रहे ना, जिनका टूट लगा हमारी भी बारी है, हमको भी तकलीफ है ना। हम लोग एकनाथ शिंदे साहब से चाहते, यही चाहते, रिक्वेस्ट करें, एकनाथ शिंदे साहब मेहरबानी करके हम लोग के ऊपर रहम खाओ, ये जैसे भी हो रही छोटी मोटी कार्रवाई करके छोड़ दो, इतनी धूप में, बारिश का महीना है, कहाँ जाएंगे छोटे छोटे बच्चे लेकर। अपने घर किससे लिए थे? घर किसी से नहीं लिए थे बेटे, फॉरेस्ट की जमीन खाली थी, इतने साल से हम 25 साल से फॉरेस्ट की जमीन में रह रहे, तब पता नहीं था, इतना मालूम है कि फॉरेस्ट की जमीन आते तोड़ते जाते थे, मगर ऐसी कार्रवाई हो जाएंगी, रोड पे लाके भरी धूप में फेंकेंगे, बरसात के टाइम अभी नजदीक है, बरसात एकदम नजदीक है सर पे, कहाँ जाएंगे बच्चे लेके, कोई ठिकाना तो नहीं है बेटा। फॉरेस्ट वालों से हमको आस थी, मगर आज पता नहीं आस टूट गई। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? साजिया। कहाँ पे घर था? क्या सामने जो टूट रहा है। अच्छा, ये कार्रवाई कितने साल से? 25 साल हो गया हम लोग। 25 साल से इन लोगों को दिखा नहीं गया फॉरेस्ट की? हाँ, नहीं आप दिखा नहीं। आज भी अचानक आके तोड़े, जिस तरह पहले पुलिस वगैरह भी नहीं थी, नहीं कुछ भी नहीं, कल बैनर लगाए थे। एक बोलो, कोई सामान पड़ा है, अभी कहाँ जाने का सामान? कोई दूसरा आपका ठिकाना नहीं है? कुछ भी नहीं, खरीदे थे आपने? ऐसी उसने खुद बोला तोड़ने का, निकलो बाहर। नहीं नहीं, घर नहीं, आपने किसी से खरीदे थे? नहीं नहीं, किसी से नहीं खरीदे, सारे हम भाड़े से। मतलब रूम मालिक को? हाँ, रूम मालिक से आया ही नहीं, आया ही नहीं, आया ही नहीं है। ये कितने बजे से कार्रवाई हो रही है? 11 बजे चालू हो गए। तो आपने बात की है कुछ ऑफिसर से? क्या क्या बताना चाहिए, कहाँ घर था आपका और आज कार्रवाई हो रही है? सब लोग फ्रंट पे ही थे? इधर ही था, हम लोग गरीब इंसान है ना, तो कहाँ जाओ, हम लोग इधर ही था ना, कमाता है, इधर ही खाता है, पीता है। अभी घर में बच्ची की शादी है हमारे, अभी ये छोटा बच्ची लेके हम लोग कहाँ जाओ, सामान निकालने का टाइम नहीं दे रहे हो? सामान निकालने का भी टाइम नहीं, आधा निकाले आधा। अभी बता रहे थे कि कल शाम में नोटिस देके गए थे बैनर लगा। अच्छा, पीछे नोटिस देके आगे का भी तोड़ दिया? पीछे नोटिस दिया, आगे का रूम तोड़ा, पीछे दिया बोल रहे। हम लोग को नहीं मालूम।